नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ट्रेडमार्क के विषय में। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आप अपना बिजनेस के नाम को, लोगों को किसी तरह से आपको अपने आप को सेफ रखना है तो ट्रेडमार्क बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी नामी जो कंपनियां हैं उसका लोगो, उसका नाम इस्तेमाल करके दूसरे लोग जालसाजी करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे उनसे बच सकते हैं, कैसे कानूनी एक्शन ले सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ट्रेडमार्क के विषय में सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क में इस्तेमाल होने वाले जो शब्द है, जैसे यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है RTM CSM, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क के कितने क्लास होते हैं, कितनी फीस लगती है, कितना समय लगता है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको ट्रेडमार्क करना क्यों जरूरी है। तो इन सब बातों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज, ना केवल बिजनेस से, मान लीजिए कि आपको अपना नाम अच्छा लगता है, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं शाहरुख खान ने अपना जो वर्ड है SRK, इसको ट्रेडमार्क करवा लिया है। मतलब कि उस नाम से कोई दूसरा लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही किसी तरह के बिजनेस में या कमर्शियल यूज में, और ना ही SRK जो है कहीं और जगह इस्तेमाल होगा। मतलब उसने क्या किया है, उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सिंपल भाषा में मैं बताऊँ आपको। तो इसी तरीके से अगर तुम मान लीजिए कि आप जो है अपने बिजनेस में, 90% लोग बिजनेस में ही इस्तेमाल करते हैं ट्रेडमार्क का, जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो लोग अपना नाम या किसी कलर को ट्रेडमार्क करवाते हैं। तो आप अपना बिजनेस में अपना लोगो, अपने नाम, स्लोगन या शब्द या कोई एक ऐसा माने फोटो, उसको आप जब रजिस्टर करवा देते हैं कि उसका इस्तेमाल कोई और नहीं करे, तो उस रजिस्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो इसके फायदे तो मैं बताऊंगा, अभी हम लोग आते हैं। अगर आपको ये ट्रेडमार्क क्लियर हो गया होगा तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ट्रेडमार्क में इस तरह की जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है RTM CSM, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का लोगो, जैसे यहाँ पास ये लोगो दिखाई दे रहा है जिसमें कि R लिखा हुआ है, वहीं पास यहाँ बगल में एक लोगो दिखाई दे रहा है जिसमें TM लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो R शब्द का मतलब। तो दोस्तों, जब आपकी ट्रेडमार्क फुल्ली रजिस्टर हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है ट्रेडमार्क का, तब उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तब आप लोगो है या जो भी आपने ट्रेडमार्क करवाया है उस पे आप R लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ है, सुरक्षित है, कोई इसका इस्तेमाल अगर करता है तो आप उस पे कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये होता है R का मतलब, जब आपके पास में रजिस्टर हो जाती है। जब रजिस्टर होती है तो उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, जो इस वीडियो में मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट कैसा होता है ना। दोस्तों, दूसरा जो मार्क होता है TM, TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब जब आपने एप्लीकेशन डाला है, ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, अप्लाई किया हुआ है। और जब अप्लाई करते हैं तो कुछ समय लगता है ट्रेडमार्क आपको मिलने में, हो सकता है कि 6 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लगे। मेरे पास एक केस आया था जिसमें मुझे 3 साल लगे, मतलब 2.5 से 3 साल लगे ट्रेडमार्क कंप्लीट होने में, मतलब उसके सर्टिफिकेट आने में। बहुत तरह की इंक्वायरी भी होती है बीच बीच में, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप ट्रेडमार्क करवाओ तो उसमें कितना समय लगता है। तो मैंने, मतलब मेरे केस में 6 महीना में भी हो गया था और एक केस में 2.5 साल 3 साल भी लगे थे। तो जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है, मतलब R मार्क नहीं आता है, तब तक आप TM का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मार्क है वो है C। आपने देखा है कि C के चारों तरफ एक गोल सा है, तो C का मतलब होता है कॉपीराइट। जनरली जो है आपने मूवी, कोई भी फिल्म, TV सीरियल, ये सब में इस शब्द को सुना होगा कॉपीराइट, या कोई वीडियो आप देखते हैं, जैसे YouTube में आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो का इस्तेमाल किसी दूसरे ने किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने उसको रजिस्टर करवाया है या जिसका वो ओरिजिनल चीज़ें हैं, तो वो उसको क्या कहता है, कॉपीराइट करवाता है, ताकि उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं करे। खासकर इसका इस्तेमाल कमर्शियल या TV या फिल्म, ये सब में ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट है सर्विस मार्क SM। ये भी सर्विस मार्क भी अनरजिस्टर्ड मार्क होता है जो प्रोडक्ट की बजाय सेवाओं में दिया जाता है। यहाँ पास जब हम लोग ट्रेडमार्क के विषय में आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेडमार्क की जब अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें दो मेन कैटेगरी होती है, गुड्स कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी। तो SM मार्क जो होता है सर्विस कैटेगरी वाले लोगों को दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रेडमार्क में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ट्रेडमार्क करवाने जा रहे हैं तो आपको सही कैटेगरी मालूम होनी चाहिए, नहीं तो गलत होने से आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ जनरली मैंने दो भागों में बांटा है ट्रेडमार्क को, एक है गुड्स कैटेगरी एक है सर्विस कैटेगरी। गुड्स कैटेगरी में 34 टाइप आते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और जो सर्विस कैटेगरी होती है उसमें 11 सर्विसेस आती है। अब दोस्तों यहाँ पास मैंने डिस्क्रिप्शन मतलब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे यहाँ पास आप देखिए ये गुड्स कैटेगरी है 1 से लेकर 34 तक, जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसा करते करते आप देख सकते हो क्लास 34 तक। यहाँ 34 क्लास है जो कि ट्रेडमार्क की अलग अलग कैटेगरी है। और दोस्तों ये तो था गुड्स कैटेगरी, अब हम लोग आते हैं सर्विस कैटेगरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स में 34 कैटेगरी है और बाकी की जो कैटेगरी है 11 उसमें सर्विस है। तो ये 35 से लेके 45 तक जो कैटेगरी है वो सर्विस कैटेगरी है, तो इसको भी आप मिला सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको यहाँ पास आप कोई ना कोई सर्विस में आपका जो काम है वो आएगा, आप यहाँ से मिला सकते हो। अब दोस्तों आते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में फीस कितना लगता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो इसमें दो तरह की फीस लगते हैं, एक प्रोफेशनल फीस लगती है एक गवर्नमेंट फीस लगती है। प्रोफेशनल फीस अलग अलग हो सकती है इसलिए मैंने इसका कोई भी रेट नहीं लिखा है। गवर्नमेंट फीस मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं आपके नाम का या आपका बिजनेस छोटा है या MSME रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट फीस 4500 रुपये लगती है। अगर आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी है या किसी कंपनी के नाम पे आप करवाने जा रहे हैं तो लगभग 9000 रुपये इसकी फीस लगती है। तो कुल मिला के बोला जाए तो 4500 या 9000 रुपये इसकी फीस लगती है। अब आते हैं टाइम, कितना टाइम लगता है हम लोग को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने में। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पहली बार नहीं होता है, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइलिंग किया जाता है। इस एप्लीकेशन को फाइलिंग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटा में फाइलिंग हो जाती है, 1 घंटा भी ज़्यादा होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटा के अंदर आपकी फाइलिंग हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन देने कि अगर आप साइट से पैसे कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप हमारे यहाँ से इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पास आपको ट्रेडिंग के लिए काफ़ी चीज़ों को मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट खोलने का, आप वहाँ पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके आप क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। नाउ दोस्तों अब हम लोग आते हैं वापस अपने वीडियो पे, हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के समय। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो लगता है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस का जो ऑफिस का एड्रेस है वो रेंट में है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिक बिल लगेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपको आपने किया है तो वो लगेगा। आपकी जो लोगो है मतलब जिसका आपको ट्रेडमार्क करवाना है उस लोगो, वो लोगो लगेगा, जो नाम आपने दिया है वो नाम लगेगा। और एक फॉर्म लगती है फॉर्म 48 जिससे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो सब आपको अप्लाई करवा के देगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसमें अगर आपको मदद चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई भी कंपनी बनाना है या किसी भी तरह के लाइसेंस या डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ना दोस्तों अब वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन
ट्रेडमार्क का क्यों करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि होता क्या है कि जब आपका नाम या ब्रांड फेमस हो जाता है तो बहुत से लोग इसकी कॉपी बनाने लगते हैं, और इससे आपकी ना केवल रेपुटेशन को धक्का लगता है बल्कि जो मार्केट में नकली सामान जो आने लगता है तो आपको हर तरह से नुकसान होता है, आपका नाम भी खराब होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और हो सकता है कि आपको कहीं कोई पुलिस केस हुआ या कानूनी कार्रवाई हुई आपके नाम पे, तो आपको बिना मतलब का माथापच्ची ज़्यादा होता है क्योंकि आपने वो काम किया नहीं है, आपका नाम बदनाम हुआ तो केस भी आपके नाम पे ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करवा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कि अगर किसी ने हमारे नाम का इस्तेमाल किया हमारी आज्ञा के विरोध या हमारी परमिशन के बिना तो हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं तो जो लोगों को मालूम है कि ये बिजनेस ट्रेडमार्क किया हुआ है तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके नाम के इस्तेमाल से, गलत इस्तेमाल से बचते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पास आपको एक ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट दिया है। जब आपकी ट्रेडमार्क फुल्ली रजिस्टर हो जाती है, मतलब आर मार्क हो मिल जाता है, तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, और इसमें आपका जो लोगो होता है, जैसे ये लोगो है, ये लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको मतलब ये आपके ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट में दिया हुआ होता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए या इसकी जो क्लास मैंने बताई थी ये आपको कहाँ चेक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि मैंने वेबसाइट का नाम दिया है ipindia.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप सीधा इस पे जाके रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और साथ में आप इसमें इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि किस क्लास की ट्रेडमार्क आपको करवाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पास मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ISO, कंपनी के कंप्लायंसेस, GST लाइसेंस या इस तरह की जो लीगल सर्विसेज होती है ये पाने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।